हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर हिंदी कोर को सॉल्व करते हुए प्रश्न क्रमांक 10 तक आ चुके हैं, जो कि बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को 40-50 शब्दों में लिखिए। इसमें का जो पहला प्रश्न है बच्चों, कि फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन कहने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फीचर लेखन क्या होता है और फीचर लेखन में क्यों उसको आत्मनिष्ठ लेखन की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही साथ, चूंकि बच्चों मैं सिंपल क्वेश्चन पेपर का आंसर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो यह जो है उत्तर है वो सीमित शब्दों में होगा। इसमें मैं विस्तार पे ध्यान नहीं दूंगा और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि जो CBSE का मार्किंग स्कीम है उसको भी मैं पूर्ण रूप से फॉलो करूँ, ताकि इस आंसर से आप लोगों को पूरा नंबर मिल सके। तो देखिए बच्चों, फीचर लेखन क्या होता है? फीचर लेखन में इस प्रकार का लेख लिखा जाता है जो किसी व्यक्ति के खुद के विचार, खुद की जो भावनाएं हैं उससे जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार के लेखन को ही फीचर लेखन कहा जाता है। तो चलिए इस आंसर के माध्यम से इसको हम और अच्छे से समझते हैं और इस आंसर को लिखते हैं। फीचर लेखन में लेखक अपने विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, अतः इसे आत्मनिष्ठ लेखन की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि जो लेखक है वो अपने विचार, भावनाओं और दृष्टिकोण को ही व्यक्त करता है, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ मतलब खुद से जुड़ा हुआ है, खुद के निजता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस लेखन को आत्मनिष्ठ लेखन की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग होता है, साथ ही सरल, सहज और आकर्षक भाषा पाठक को बांधे रखता है। इसमें विषय हल्का अथवा गंभीर कुछ भी हो सकता है। तो फीचर लेखन के लिए एक प्रकार की कथात्मक शैली, क्योंकि लेखक जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, तो कथा के सहारे, कथा के माध्यम से वो इसको बढ़ाता है और इसको लिखता है, ताकि साथ ही साथ भाषा जो है काफ़ी सरल, सहज और आकर्षक होता है, जिससे जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो इससे बंध कर रहता है। इसमें जो विषय है वो हल्का और गंभीर कुछ भी हो सकता है। विषय के ऊपर फीचर लेखन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण लेखन के ऊपर होता है, और लेखक के खुद के विचार और भावना और दृष्टिकोण के ऊपर ये निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ बच्चों, मेरे इस आंसर से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।